नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता, आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी आप कैसे करें, उसके संबंध में महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस को लेकर आई और आज आप सभी को बताया जाना है अध्ययन सामग्री के बारे में तथा क्या रणनीति हो आपकी कि आप अवश्य अधिकतम अंक करंट अफेयर्स में प्राप्त करें उसके संबंध में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं अध्ययन सामग्री। तो फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट कोई अध्ययन सामग्री है तो वो है प्रतियोगिता दर्पण की मासिक पत्रिका। जी हाँ, प्रतियोगिता दर्पण का मासिक पत्रिका। यदि आप प्रतियोगिता दर्पण का मासिक पत्रिका का अध्ययन करते हैं तो आप स्वयं में यह फील करेंगे कि इससे अल्टीमेट कोई अध्ययन सामग्री नहीं है। उसका कारण है साथियों, आपको प्रतियोगिता दर्पण का जो राष्ट्रीय परिदृश्य है अर्थात राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, आर्थिक घटनाक्रम है, खेल से संबंधित घटनाक्रम है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित घटनाक्रम है या राज्य आधारित क्वेश्चन जो दिए गए हैं और संक्षिप्त जो संचिका सामान्य ज्ञान से संबंधित है वो अल्टीमेट है। तो आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण को मासिक पत्रिका के रूप में इसका चयन कर सकते हैं। और अब आते हैं द्वितीय पत्रिका। साथियों, जो मेरे द्वारा द्वितीय पत्रिका बताई जानी है वो है घटना सार का अर्धवार्षिकी और घटना चक्र का दृष्टि। जी हाँ, और इसको आप कब लेंगे? इन दोनों पत्रिकाओं को आप मात्र रिवीजन के दृष्टिगत लेने वाले हैं परीक्षा के एक माह पूर्व। जी हाँ, इस पत्रिका को आप रिवीजन के पूर्व अर्थात एग्जाम के पूर्व रिवीजन के दृष्टिगत इन दोनों पत्रिकाओं को लेंगे। ध्यान रखिए, घटना सागर का जो अर्धवार्षिकी होता है वो काफ़ी पतला होता है, छोटा होता है, ठीक है। उसको आप जब पढ़ते हैं तो रिवीजन आपका आराम से हो जाता है और लगभग जब रिवीजन करते हैं तो जितनी भी कन्फ्यूज़न होती है वो आपके दूर होते हैं। तत्क्रम में फ्रेंड्स, जो दृष्टि होता है घटना चक्र का वो भी अल्टीमेट है इस परीक्षा के दृष्टिगत। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है वो है प्रतियोगिता दर्पण की मासिक पत्रिका, उसे आप अनिवार्य रूप से अवश्य ही पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका यह प्रश्न है कि क्या प्रतियोगिता दर्पण जो हम लेंगे वो सब पढ़ना होगा? मैं कहूँगी नहीं, आप प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के दृष्टिगत पढ़ रहे हैं, अतः आपको मात्र राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण और खेल से संबंधित जो उसके मेन पार्ट होते हैं जिसके लिए मैं स्पेशल क्लासेस भी ऑलरेडी आप सभी के बीच ले चुकी, उसका ही आपको अध्ययन करना है। तो साथियों, आप अवश्य ही इस अध्ययन सामग्री का अध्ययन करें। निश्चित रूप से साथियों, आप अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अब आते हैं न्यूज़पेपर। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो न्यूज़पेपर के संबंध में क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर मेरे लिए बेहतर होगा इस परीक्षा के दृष्टिगत। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अल्टीमेट न्यूज़पेपर है। और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप अमर उजाला अथवा दैनिक जागरण या हिंदुस्तान, तीनों में से किसी भी एक समाचार पत्र को पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने में नहीं लगाना, मात्र 30 से 40 मिनट में आपको न्यूज़पेपर को फिनिश करना है, ठीक है। आप यदि नियमित रूप से हर घंटा करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण को देते हैं तो निश्चित रूप से आप अधिकतम अंक प्राप्त करते ही करते हैं। तो साथियों, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसकी जानकारी भी आपको अवश्य होनी चाहिए। ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी के बीच महत्वपूर्ण क्लासेस लाया गया है कि प्रतियोगिता दर्पण कैसे पढ़े, क्योंकि पढ़ने का एक तरीका होता है। आप देखते हैं एक ही क्लास में बहुत सारे युवा पढ़ते हैं बट सफल उसमें एक आधी होते हैं। ये क्यों संभव होता है? पढ़ने का तरीका। तो आप भी सही तरीके को अपनाइए, सफलता के मार्ग को प्रशस्त करिए। इस रणनीति को यदि आप अपनाते हैं तो अवश्य ही साथियों, आप सफल होंगे ही होंगे। और ध्यान रखें, हर एक सफल युवा में जो ऊर्जा विद्यमान होती है वो ऊर्जा आप में भी विद्यमान है, तो फिर आप उस ऊर्जा का सदुपयोग सफलता के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लौ का जो टिमटिमाना है वो आपके भीतर आरंभ हो चुका है। तो इस लौ को कैसे जलाना है, कैसे सफलता के लक्ष्य के कगार पर दीपक के रूप में इसे प्रज्वलित करना है, इसको आपको जलाना होगा, इसको आपको जानना होगा। और ये तब संभव होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, अर्थात घटना चक्र के पूर्वावलोकन को एक बार यदि आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन वो किस प्रकार से पूछे गए हैं। साथियों, जब आप घटना चक्र का रिवीजन करेंगे पूर्वावलोकन का, तो आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आर्थिक घटनाक्रम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, जानने के लिए, समझने के लिए, क्वेश्चन के पैटर्न को
बारीकी से ध्यान रखने के लिए अवश्य ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। निश्चित रूप से करंट अफेयर के क्वेश्चन को रिपीटेड नहीं किया जाता है, बट पैटर्न को जानने के लिए यहाँ पर मैं आप सभी को फिर से सजेस्ट करती हूँ घटना चक्र के पूर्वावलोकन का अध्ययन करना। तो साथियों, आशा है, विश्वास है कि आप सभी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना आरंभ कर दिए होंगे, परिश्रम से कभी नहीं भागेंगे और अवश्य ही हर सुबह पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे, सकारात्मक भाव से अपने दिन का स्वागत करेंगे। अवश्य ही आप सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।